और उस वेबसाइट में आना है और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द्विक रिविजन राइट दैट क्विक रिविजन दैट विच इनेबल्स यू टू प्रिपेयर फॉर द लास्ट मिनट रिविजन दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट राइट सो दैट इज वॉट द क्विक रिविजन जस्ट वेन यू क्लिक इन द ऑन द क्विक राइट सो इट विल बी ओपन लाइक दिस सो इस तरीके की चीजें आपको ओपन होने के बाद जो है आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखेगी सो so, आपको ईच एंड एवरी थिंग इज इम्पॉर्टेंट इट हेयर राइट वट एवर द थिंग्स आर मेन्शन इट हेअर जो भी चीजें यहाँ पे मैंशनड है वो सारी चीजें आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको लेकर हम डिस्कस भी कर चुके हैं बट स्टिल विल डिस्कस दैट वॉट आर द थ्यूरीज एंड मॉडल्स दैट वी हैव टू वी विल डिस्कस इट ऑन राइट सम ऑफ द पॉइंट कुछ हम डिस्कस करेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कस करेंगे ओके सो होप यू विल लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस क्विक रिविजन और क्विक रिविजन आपको अगर आपने अभी तक नहीं अगर देखा है तो प्लीज इसको विजिट कीजिए और थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये सारे क्विक रिविजन के जितने सेक्शन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस होकर बनाए गए हैं राइट सो दैट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आई विल जस्ट क्लिक ऑन फोक डांस राइट लिस्ट ऑफ फोक डांस ऑफ द डिफरेंट स्टेट इन इंडिया एग्जाम विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सो वेन वी क्लिक सो इट विल बी ओपन लाइक दिस So, आपको क्या क्या चीजें हैं मैंने बोल यहाँ पर सभी चीजें मेंशन है राइट सो फर्स्ट थिंग इट इज दैट सी आई एम जस्ट हाईलाइटिंग ऑल दिस पॉइंट इन द प्रीवियस क्वेश्चंस राइट क्या चीजें पूछा जा चुका है वो हम आपको यहां पर हेडलाइट uh, करके हम बताएंगे ठीक है यहाँ पे देखिए स्टेट एंड नेम ऑफ द फोक डांसेस ठीक है ये आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन इट हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड राइट

और एज वेल एज इन द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो सिंगल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न में भी पूछे जा चुके हैं सो वट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू मेमोराइज डांस जो है आते आते ही मैच ऑफ द द द फॉलोइंग फॉलोइंग में राइट इन मैच ऑफ फ्रॉम दिस चैप्टर द ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री डेफिनेटली जो है वो आता ही है, आता है या फिर वन ईयर गैप करके आए या टू इयर्स गैप करके आए ये क्वेश्चंस आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में ओके okay? दिस इज वर्ट दैट हिस्टर इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू मेमोराइज ओके सो आंध्र प्रदेश दैट इज बुरा खाता ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है प्लीज नोट इट डाउन ठीक है प्लीज रिमेम्बर द आंध्र प्रदेश एंड एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश असम गोवा गुजरात हरियाणा कर्नाटका ये सारे स्टेट्स के जो है फोक डांसेस याद रखेंगे तो फटाफट हमें बताइए ठीक है सो हेयर दैट इज बाडपाथर और पथार दैट इज वेरी फेमस फॉक डांसेस ऑफ द विच स्टेट जल्दी से बताएंगे इट इज ऑलरेडी मेंशन यस जम्मू एंड कश्मीर ओके यस तो आपको किन लोग को याद है जल्दी से बताएंगे किनको किन को याद है हु हैव मेमोराइज्ड ऑल द फॉक डांसेस ऑफ द स्टेट्स प्लीज रेज द हैंड इफ यू हैव मेमोराइज अगर आपने याद कर लिया है तो प्लीज रेज द हैंड

ज बीन आग ठीक है ये सारी चीजें पूछा जा चुका है वेरी गुड मॉर्निंग था ओके सो देर इट इज वर्ड दैट टू रिमेम्बर ओके चलिए उसी तरीके से कुछ यहाँ पे जो पूछे जा चुके मैंशन करते हैं वो चीजें आपको नोट डाउन करना है प्रीवियस क्वेश्चन में जो पूछे जा चुके हैं ठीक है सो फर्स्ट फर्स्ट इट इज दैट बुरा कहा था दैट इज ऑफ द ए पी अरुणाचल प्रदेश ओके प्लीज नोट इट डाउन अरुणाचल प्रदेश सॉरी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ओके नंबर टू हेयर इट इज इंपॉर्टेंट दैट इज सांग राइट नोट इट डाउन आई एम जस्ट राइटिंग फॉर योर नोट्स राइट आपके नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है प्लीज नोट इट डाउन नंबर थ्री यक्षगान दैट इज कर्नाटका प्लीज जल्दी से लिखेंगे और सारे नोट्स बनाएंगे लास्ट मिनट रिविजन के लिए दैट इज जम्मू कश्मीर प्लीज नोट इन पथार दैट इज जम्मू कश्मीर अभी नोट आ, नोट डाउन करेंगे सारे कॉपी में अभी आप नोट डाउन करते हुए चलिए बिकॉज आप आखिरी में फिर आप भूल जाएंगे आपके कॉपी में होगा तो आप याद कर पाएंगे ओके सो केरला दैट इज ऑफ द कथकली महाराष्ट्र लवानी एंड तमाशा इट हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड राइट ठीक है ये पूछा जा चुका है नौटंकी उत्तर प्रदेश जतरा वेस्ट बंगाल ओके वॉट एवर द फोक डांसेस विच आर इन बोल्ड इट हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड राइट ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है सो so प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए सो इट इज ऑल क्लियर जल्दी से बताएंगे फोक डांसेस और आप लोग ये प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओके चलिए नेक्स्ट अगर आते हैं किसमें चीजें चेयर चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ओके वेरी मच इंपॉर्टेंट सो सी क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज इट ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है पेपर दो टू थाउजेंड सिक्स टू थाउजेंड सिक्स में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है राइट सो दिस इज वर्ड द यू हैव टू अरेज इन सिक्वेंस आर एस आर कारिया पी वी सावंत के जयचंद्र रेड्डी एंड जी एन रॉय राइट इट इज ऑलरेडी इन द सिक्वेंस सिक्वेंस में है और इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा चुका है सो प्लीज नोट ए डाउन ऑल द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड वी हैव टॉट यू ऑल्सो हमने ये आपको लिखवाया भी है राइट right? सो दैट दे कैन आस्क यू द्वेश्चन फ्रॉम हेयर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से राइट द फर्स्ट द फर्स्ट चेयरमैन क्वेश्चन ओके क्वेश्चन टू करेंटली चेयरमैन क्वेश्चन थ्री अरेंज इन अ सिक्वेंस Okay, they can give you to arrange questions for, right? They can also ask you that, like uh, they can alter the questions, right? After the Justice Markandeya Karju, okay, after the Justice Markandeya Karju who hold the positions of the chairperson of the Press Council of India they will not see the currently chairman. so what will be the answer after the justice markindekachu? yes, Molly kumar prasad. so in this way they can ask you the questions. okay? yes, very good. how and what the other pattern can be like? questions fifth pattern can be like they can say, they can ask you like pb savant, pb savant. in the match of the following questions, okay? match the following questions.

उंसिल ऑफ इंडिया सारे पैटर्न के क्वेश्चन बनता है राइट right? इतने सारे पैटर्न आपको याद रखने पड़ेंगे सभी जो है आपको जितने नाम है राइट दैट वी हैिमेंबर राइट सारे आपको याद रखने ऑल द टेन चेयरपर्सन और द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दैट वी हैव टू रिमेंबर ऑल क्लियर जल्दी से बताएंगे क्लियर है यस चलिए तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी आप याद रखेंगे और याद कर ही लीजिए राइट चलिए नेक्स्ट मीडिया लॉ एथिक्स ओके लॉ एथिक्स भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन लाइक हेयर द ऑल द एक्ट हेयर रिलेटेड विद द सिक्वेंस राइट सिक्वेंस में अरेंज किया हुआ है और सिक्वेंस में आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सिक्वेंस में अरेन्ज करने के लिए ओके सो दिस ऑल आर क्वेश्चन विच हैज बीन आस्ट ऑलरेडी ये सारी चीजें जो है पूछा जा चुका है लाइक द सिनोमेटोग्राफी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू राइट कॉपी राइट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सेवन सो कॉपी राइट के हम कौन कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं जल्दी से बताएंगे व्हाट आर द सेक्शन दैट द इन द कॉपी राइट इट इज गिवेन द लिस्ट ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट को लेकर दैट उसपे इन्फ्रिंजमेंट नहीं लगता है और इसे इन्फ्रिंजमेंट लगता है राइट व्हाट आर द सेक्शन दैट वी रेड इन द कॉपी राइट

सेक्शन फिफ्टी वन एंड फिफ्टी टू राइट सेक्शन फिफ्टी वन एंडी टू फिफ्टी वन में आपका जो है क्या है आपके कॉपीराइट के एक्ट लगते हैं और इन सेक्शन फिफ्टी टू में आपका इन्फ्रिंजमेंट किस पे नहीं लगते हैं वो सारी चीजें हैं जिसमें फिफ्टी टू विच इज नॉट राइट और इसमें ये सारी चीजें फिफ्टी वन में डिस्क्राइब है कि किन एक्टिविटीज पे आपको लगते हैं कॉपी और और फिफ्टी टू में किन activities पे आपको copyright नहीं लगते हैं? वो सारी चीजें चलिए लगतेजिस्ट्रेशन बुक एटीन सिक्सटी सेवन सारे इंपॉर्टेंट है राइट ऑल थिंग्स इंपॉर्टेंट दैट इट बीन आस्क्ड इन नेट एग्जाम राइट सो दैट इज व्हाट हियर इंपॉर्टेंट लाइक The try, Jalis batayenge try in the year. Everybody. Try in the year 1997. Okay. Yes. Very good. That is Telecom Regulatory Authority of India. Okay. Yes. Next, everybody. Societies Registration Act. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अंडर विच ऑल द ट्रस्ट एंड एन आर रजिस्टर्ड एवरीबडी जितने सारे एनजीओस या फिर आ, ट्रस्ट होते हैं वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अंडर द यो यस 1860 वेरी गुड यस तो ये सारी चीजें आपको एक्ट याद रखने सारे आप याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट इयर्स टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम इन द मीडिया लॉ एथिक्स ओके चलिए सो नेक्स्ट मॉडल्स एंड थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन सी हु गिवन मॉडल और थ्योरी दैट इट इज हेयर विद द इयर्स ठीक है इयर्स के साथ आपका यहां पे मेंशन है प्लीज आप लोग याद कर लीजिए लिस्ट को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एबीएक्स मॉडल और द टूट फ्लो थ्योरी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी शैन रिवर मिलासवेल कल्टिवेशन एस एमसीआर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन ऑल थिंग्स आर हेयर विदर्स राइट सो दैट वी हैव टू रिमेबर ये सारी चीजें आपको क्या करना है याद रखना है ओके चलिए सो यहां से भी कुछ क्वेश्चन टू थिंग्स आर हेयर इंपॉर्टेंट राइट चलिए द फर्स्ट इंफॉर्मेशन थ्योरी जल्दी से बताएंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी गिवन बाय इंफॉर्मेशन थ्योरी यस वेरी गुड दैट इंफॉर्मेशन थ्योरी दैट इज ए शैनन यस एग्जैक्टली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम डेज बिफोर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बैलेंस थ्योरी आल्सो इन द रिलेटेड विद द वट इज द येस एक्सटेंशन ऑफ द बैलेंस थ्यूरी जल्दी से बताएंगे कौन सा थ्यूरी बैलेंस थ्यूरी का एक्सटेंशन है विच थ्यूरी इज द एक्सटेंशन ऑफ द बैलेंस थ्यूरी विच थ्यूरी इज द एक्सटेंशन ऑफ बैलेंस थ्यूरी एवरीबॉडी वी है डिस्कस समो रिलेटेड विद द बैलेंस थ्यूरी गिवेन बाय द फ्रिस्ड हेडर एवरीबडी जल्दी से बताएंगे Which theory is an extension of extended version of? No, it's not. Okay, we had discussed. हमने figure discuss किया था आपको याद होगा, right? Balance में हमने discuss किया था. Yes, that is A. यस वेरी गुड एबीएक्स मॉडल राइट यस एबीएक्स मॉडल है और बैलेंस थ्यूरी राइट एबीएक्स मॉडल का एक्सटेंशन है बैलेंस थ्यूरी राइट ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट प्लेजर थ्योरी जल्दी से बताएंगे प्लेजर थ्यूरी हु डेवलप्ड द प्लेजर थ्योरी

चलिए सो लाइक दिट ऑल द दर दैट कर्ट लेविन जल्दी से बताएंगे कर्ट लेविन डेवलप्ड विच थ्योरी कर्ट लेविन आंसर इट एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर देन फाइंड इट एंड गिव इट यस गेट कीपिंग मॉडल राइट वेरी गुड गेट कीपिंग मॉडल इन्होंने दिया है चलिए लगा कॉन्सेप्ट लगाज कॉन्सेप्ट ऑफ द लगाट्स गिवेन बाय द एवरीबडी कॉन्सेप्ट ऑफ द लगाई द एवट एम रोजर्स यस इन विच थ्यूरी एवर्ट एम रोजर्स इन द विच थ्यूरी यस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन ओके वेरी गुड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में ये थ्योरी दिया गया है चलिए एवरीबडी मैजिक मल्टीप्लायर एंड मोबिलिटी मल्टीप्लायर ओके जल्दी से दोनों का बताएंगे मैजिक मल्टीप्लायर एंड मोबिलिटी मल्टीप्लायर आर यू आंसरिंग ऑफ द होम कौन सा आंसर आप किसका कर रहे हैं जल्दी से बताएंगे मैजिक मल्टीप्लायर गिवन बाई और मोबिलिट मोबिलिटी मल्टीप्लायर

Answers, ये सारी चीज हम करा चुके हैं वी हैडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स ओके आंसर इट फास्ट यस वेरी गुड रचना दैट इज डेनियर्नर डैनियल लर्नर गिवेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी मल्टीप्लायर्स एंड विलव सैम गिवेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक मल्टीप्लायर्स ओके ऑल क्लियर एवरीबडी ऑल क्लियर यस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ़ नॉइज गिवन इन विच मॉडल एवरीबडी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस इज गिवेन इन विच मॉडल द फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज इन गिवेन विच फर्स्ट मॉडल यस येसन एंड वीवर वेरी गुड सैनन एंड वीवर मॉडल में कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस everybody concept of feedback first it is seen in concept of feedback do you think that in the acmcr model it is the feedback is there feedback in the acmcr model yes or no is there feedback in the smcr model no it's there is no feedback in the smcr model right smcr model it is considered as a linear model of communication cs avilasha right very good sender message channel receiver so there is no feedback there so concept of feedback it is given in the that is known as the circular nature of the communications that is yes very good yes circular model of communication that is Yes, very good. good model of communications, right? Very good. good model. चलिए। इस सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। See, here it is the magic multiply mod model that is Wilbur Schramm, and here you can also write, right? That is तीन चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका magic multiplier है, right? एक आपका मैजिक मल्टीप्लायर जिसको हम लोग बोलते हैं किसने दिया विलबुर श्रैम ने ओके दूसरा चीज है आपका मोबिलिटी मल्टीप्लायर जिसको आप बोलते हो किसने दिया दैट इज डैनियल लर्नर ने ओके एंड थर्ड थिंग इज इट इज हेयर दैट इज हेयर मल्टीप्लीसिटी मॉडल मल्टीप्लीसिटी मॉडल ओके ट ऑल द स्टार्ट फ्रॉम द एम डो नॉट कन्फ्यूज इन इट राइट ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इन सब चीजों में राइट सो मल्टीप्लिसिटी मॉडल इट इज गिवेन बाय द जैन सर्विस ये वेरी गुड जैन सर्विस ने दिया है मल्टीप्लिसिटी मॉडल ओके डो नॉट गेट कन्फ्यूज इन दिस थ्री क्वाइट इट इज कन्फ्यूजिंग बट यू हैव टू रिमेंबर एनी हाउ राइट चलिए

So here it is what important that you have to match the following with the whom, right? So circular model that is Vilbosem that we recently we had discussed, that is now the helical model that is given by the Frank dance, right? Helical model kiss, Frank dance. Ne diya hai, okay. Yes. So ritual model or sociological view of communication that is given by the right. That is what relay and relay. Ritual view of communication that is James W. Carey.

ऑथर एंड कॉन्सेप्ट इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑथर एंड कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोर इट इज हेयर इंपॉर्टेंट इफ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे यू विल फाइंड दैट राइट इफ यू एनालाइज दीवाई क्यू द प्रीवियस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीनी ऑफ द क्वेश्चन इट इज आस्ट फ्रॉम द ऑथर्स आइडियाज कॉन्सेप्ट ऑथर ने कौन सा टर्म कॉइन किया कौन सा टर्म उन्होंने दिया गिविन द टर्म को टर्म आइडियाज कॉन्सेप्ट राइट ऑल दिस थिंग्स दैट दे राइट ये सारी चीजें ऑथर्स हेयर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट राइट द ऑल द मास कम्युनिकेशन प्रोमिनेंट ऑथर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ गिवेन कॉन्सेप्ट, राइट right? ये सारे कॉन्सेप्ट को लेकर हम अभी डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे कि हम आपको बता पाए कि एंकोरेज क्या होता है नेगोशिएटेड क्या होता है एंड सोसाइटी स्पेक्टिकल क्या होता है ये सारी चीजें हम डिस्कस अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर लॉट्स ऑफ हेयर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर हेयर राइट सारी चीजें बहुत सारी चीजें हैं देव टू रिमेम्बर और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है हमें याद है तो आपको भी याद होनी चाहिए राइट आई हैव ऑल मेमोराइज ऑल दिस थिंग्स राइट ये हमने याद कर चुके हैं राइट right? सो so, आपको भी याद करना है इफ इट इज इजी फॉर मी देन इट इज ऑल्सो इजी फॉर यू राइट सो दैट इज वॉट हे इंपॉर्टेंट दैट विच प्रोमिनेंट थ्योरीप्ट दैट इट इज इंपॉर्टेंट लाइक द रोलाइन बाथेस्ट ने दिया है एंकोरेज का कॉन्सेप्ट राइट एंकोरेज का कॉन्सेप्ट पे दिया है एंकोरेज क्या होता है नेगोशिएटेड कोड क्या, क्या, क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे क्लास में ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हम आपको याद आपको कराएंगे ही कराएंगे साथ साथ में आपको एक एक कॉन्सेप्ट का मतलब भी बताएंगे सारे कॉन्सेप्ट होता क्या है राइट चलिए तो यह भी फिलहाल आपको याद रखने हैं यस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इट इज गिवेन बाय एवर्ट एम रोजर्स राइट एवर्ट एम रोजर्स ने दिया है बट अलॉन्ग विथ इट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ठीक है आपको यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट दिखने को मिलेगा एवर्ट एम रोजर्स का यहां पर देखिए चेंज एजेंट एंड राइट रियान एंड ग्रॉस ठीक है रियान एंड ग्रॉस यहाँ पे डिफ्यूजन इनोवेशन और एवर्ट एम यहाँ पे ठीक है इक्वेशन पूछा जा चुका है बिकॉज रेन एंड ग्रॉस दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में आप पढ़ेंगे इसकी थ्योरीज को डिटेल्ड में तो रेन एंड ग्रॉस का भी यहाँ पे आ, बहुत ही सहभागिता है यहाँ पे दे हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस थ्योरीज राइट सो दैट यू हैव टू रिम्बर दैट रियन एंड ग्रॉस हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन राइट

वो मैच ऑफ दी फॉलोइंग का लिस्ट है जो कि पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये बनाए हुआ क्वेश्चन नहीं है कि कुछ भी चीज ये सारे लिस्ट एकत्रित किए गए हैं दे हैव राइट गिवेन द कॉन्सेप्ट और द आइडियाज एंड वी हैव कलेक्टेड और गैदर्ड एट वन प्लेस राइट दैट फॉर यू राइट सो दैट यू हैव टू मेमोराइज इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेम्बर सो दैट इट इट इज हेर इंपॉर्टेंट ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ थ्यूरी जल्दी से बताएंगे ग्रोथ थ्यूरी किसने दिया है ब्रीबडी एब्रीबडी ग्रोथ थ्योरी गिवेन ढूंढने में लगे हुए हैं राइट रोस्टो ओके यस रोस्टो ने दिया है ग्रोथ थ्योरी दैट इट इज हेयर इंपॉर्टेंट ओके रोस्टो ने ग्रोथ थ्योरी दिया है सो वॉट इट इज हर दे कैन ऑल्सो आस्क यू लाइक द रेजोनेंस, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट ऑफ द रेजोनेंस

फ्रेंकफोर्ट स्कूल जेम्स डब्ल्यू डब्ल्यू कैरे रिचुअल व्यू ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी हैव रेड इन द रिसेंटली मॉडल्स एंड थ्यूरीज में हमने देखा था रिचुअल व्यू ऑफ कम्युनिकेशन गिवेन बाय द जेम्स डब्ल्यू कैरे ओके अम्बर्टो इको हमने देखा था राइट जल्दी से बुक का नाम बताएंगे अम्बर्टो इको का बुक का नाम दैट वी हैव डिस्कस्ड अम डेज अगो लाइक इट वॉज रिलेटेड विद रोज एवरीबडी अंबर्टो इको रिट इन द बुक वॉट द नेम ऑफ द बुक इट इज यस द नेम ऑफ रोज ओके द नेम ऑफ रोज मुझे पूरा याद नहीं रहता बट हमें याद रहता है रोज ठीक है रोज से हमें याद है आप लोग भी उसी तरीके से ध्यान करके याद कर लीजिए इट इज वेरी मच बेनिफिशियल एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ई एफ सोमेकर ने इंटिग्रे इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी को दिया है जुलिस नायरे ने पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट

That it is here given the change and uh, agent and lagards. They have not asked directly the diffusion of innovation, they had asked the agent, change agent and lagards, the terminology that you have to be uh, okay, you have to memorize. Okay, the frame of reference, frame of reference that Wilbur Sram and Donald So and Maxwell Commerce priming, right? That is what Jalis theories can. Okay, Donald So and Macombs snake what it is it here everybody the name of the theory the given by the donald shaw and max wilk macombs name the theory that is what the priming that it is written here i'm asking the another here what the name of the theory that given by the donald shaw and maxwell macombs एजेंडा सेटिंग थ्योरी किसने दिया है व्हाट यू आर टेकिंग द टाइम टू आंसर ओके एजेंडा सेटिंग थ्योरी दैट इज मैकोम क्लियर है जल्दी से बताएंगे इट इज ऑल क्लियर यस मैकोम शाह ने दिया है दैट इज आई एम आस्किंग इट राइट है सो एंथोनियो ग्राम ने क्वेश्चन एंड कॉन्सेंट ओके फ्रेम ऑफ़ रेफरेंस जॉर्ज अपना रेजोनेंस रोस्टो ग्रोथ थ्योरी शैन विवर एंट्रोपी ओके एंट्रॉपी एज वेल एज हेयर ऑल्सो एंट्रॉपी का हम लोग एंट्रोपी पढ़ते हैं और साथ साथ में क्या पढ़ते हैं दैट एवरीबडी द हायर प्रेडिक्टेबिलिटी एंड द लोअर प्रेडिक्टेबिलिटी दैट वी रिमेंबर एंट्रोपी एंड We read it together. Entropy plus. Anybody can redundancy, right? Very good. Entropy and redundancy. That it is here important. Okay. Shelly. How Spencer evolutionary perspective? John Fiske popular culture and TV, right? Very much important. As well as it here, Henry Jenkins fan culture, Michael Foucault omnipresence of the power, Jacques Derrida deconstruction of the text, dependency, Sandra Ball -Rokic and Malvin DeFalure. Okay, Malvin Difelio ne dependency theory diya right? Dependency theory of the communication that given by the Malvin Difelio and the Sandra Ball Rockish. Okay. डैनियल बेल पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी दैट कॉन्सेप्ट पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी दैट इज डेनियल बेल ओके जे हैबर मास्ट पब्लिक मॉडल ठीक है जय हैबर मे मॉडल हम लोग पढ़ते हैं दैट इज वट द पब्लिक एस फेयर कॉन्सेप्ट इट इज अ टर्म बट इट इज वट द होल थ्यूरी एवरीबडी एक टर्म है एनीबडी जल्दी से बताएंगे फाइंड इट एंड आंसर इट राइट सो एलविन थर्ड वेव ओके एल्विन टॉफ्लोर में कॉन्सेप्ट भी दिया है राइट दैट इज ऑल्सो डी मैसिफिकेशन डी मैसिफिकेशन ऑफ मीडिया राइट डी मैसिफिकेशन ऑफ मीडिया एलविन टॉफलोर दैट गिव एन ओके द थर्ड वेव थर्ड वेव और न्यू वेव ओके मैसिफिकेशन ऑफ मीडिया प्लीज ये रिमेंबरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है से राइट टू थाउजेंड फिफ्टीन सेप्टेंबर पेपर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है डी मैसिफिकेशन से रिलेटेड दैट कॉन्सेप्ट गिवेन बाय द एलविन टॉफलर दैट ऑल्सो गिवेन दर्ड वेव ओके टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म सिमुलेशन थ्योरी नॉम नॉम कॉम स्काई फ्लैक कॉन्सेप्ट इट इज ऑल्सो बीन आस्ट राइट इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट द कॉन्सेप्ट दैट इट इज राइट नॉम कॉम स्काई फिलिप सेलेसिंगट गिवेन द मिथिकल टाइम फैक्टर डेनिस मैकवेल टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म ऑल्सो दैट समटाइम्स वी रेट टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक और नाम आता है सामने एनीबडी कैन गेस एवरीबडी अदर देन डेनिस मैकवेल हु कॉइन द टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेजम द टॉर्म कॉइन किसने किया एवरीबडी मै गिव यू दिंट चलिए हिंट है आपका थॉस्टिन एवरीबडी री गुड थॉस्टिन वेबलेन थीन वेबलेन ने टेक्नोजिकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है वेरी गुड वेरी गुड रचना एंड समरी आंसर थीबलेन ने टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है डेनिस मैकवेल ने उसपे और इम्प्रोवाइज इंप्रोवाइज किया और उसको आगे लेकर गया है बट ओरिजिनली टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनज्मन बाय दिन वेबलेन ओके इट इज क्लियर जल्दी बताएंगे क्लियर है यस लियोन फेस्टिंगर कॉग्नेटिव डिसोनेंस थ्योरी राइट कॉग्नेटिव डिसोनेंस थ्योरी लियोन फेस्टिंगर विल सैम सर्कुलर मॉडल रिले रिले रिचुअल मॉडल फ्रैंक डांस सेलिकल मॉडल ये सारी चीजें तो आपको पता है राइट दिस ऑल आर रिलेटेड विद मॉडल दैट इज अनदर हेयर इंपॉर्टेंट राइट दैट ऑन्तोनिय ग्राम्सकी का हमने एक और हमने ऊपर पढ़ा था दैट इज हेयर द हेजमोनी राइट हेजमोनी दैट यू डू नो यू नो द हेजमोनी क्या हेजमोनी क्या होता है एनी बडी कैन गेस वट इज हेजमोनी एवरीबडी आंसर इट जल्दी से बताएंगे डोमिनेंस यस वेरी गुड डोमिनेंस होता है ओके दैट इज वॉट हेयर इट इज इंपॉर्टेंट यस डोमिनेंस आपका किसी भी चीज का हो सकता है लाइक फॉर द कल्चरल फॉर एन एग्जाम्पल कल्चरल डोमिनेंस मीडिया डोमिनेंस यस इट कैन बी एनीथिंग दैट इज वॉट इट इज हेयर इंपॉर्टेंट बाय द टर्म इट इज हैज अ मनी ओके सो कॉन्सेप्ट ऑफ हैज अ मनी गिवेन बाय द अंतोनिय ग्राम्स के ंतोनियो ग्राम्स ने एक और कॉन्सेप्ट दिया है राइट दैट इज इट इज वर्ट एवरीबडी हम ऊपर क्रॉस कर चुके हैं राइट वी हैव ऑलरेडी स्क्रॉल्ड दैट द दर कॉन्सेप्ट अदर देन हैज अ मनी ओके गिवन बाय द्राम्स के दैट इज कॉर्शियन एंड कॉन्सेट राइट कॉर्शियन एंड कॉन्सेप्ट है right? यहां पर आप देखेंगे तो अंतोनिय ग्राम्सके का यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है दिस इज क्वेश्चन एंड कंसेंट ओके दैट यू हैव टू रिमेम्बर क्वेश्चन एंड कंसेंट एज वेल एज हैज मनी कॉन्सेप्ट गिवेन द द्राम्स के ओके सो डेनियल स्माइथी कल्चरल स्क्रीन जेज ऑलोल मीडिया द एजेंट्स ऑफ पावर दार्ड द पोस्ट मॉडर्निज्म कोन कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम एम के गांधी ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी ट्रस्टीशिप ऑफ द सोसाइटी एल आर बेल्ट्रेन आइडियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट ऑफ द डेवलपमेंट एंड जे स्कॉट से जस्टिस राइट सो दिस इंपॉर्टेंट आपको याद ही करना पड़ेगा याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है ठीक है चलिए सो यहां पर कुछ सेक्शन डिवाइड किया गया है यहां पे फोकस्ड एरिया है राइट नॉट द आइडिया इट इज हेअर दैट इज एरिया इट इज रिसर्च एरिया ऑर दंट्रीब्यूटेड राइट वो लोग कंट्रीब्यूट किए लाइक फॉर एग्जाम्पल जेकस डा की अगर बात करें दिन कॉन्सेप्ट जल्दी से बताएंगे कौन सा ऊपर हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है जेकस डेरिडा का एवरीबडी वी हैव स्क्रॉल डाउन बट वॉट द कॉन्सेप्ट गिवेन बाय द जेकस डेरिडा एवरीबडी डी कंस्ट्रक्शन ऑफ एवरीबडी वॉट इज द डी कंस्ट्रक्शन ऑफ

deconstruction of text okay that you have to remember very important okay clear hai? so that is what it is here dismantling the structure in the text or the deconstruction in text okay that is both same dismantling the structure in the text or the de deconstruction of text right these all are the focus area of the jacques Jarida same also the norm sky text linguistics okay jaldi se concept of yes that i was going to ask rachna has answered that is flag concept of flag given by the norm com sky okay also that text linguistics area they have been okay uh, focused very good van disk discourse analysis right when disc discourse analysis, Ferdinand, this also the network of the science, as well as everybody that we read, the name of the theory that is symbolism, right? Symbolism, the concept of semiotics or the symbolism, yes, very good summary. So, this is what the Ferdinand, this also. Uh, given the concept of symbols, network of the science, semantics. Okay. Very good. Influence of the opinion leaders, that is, it is in the given, right? Two-step flow theory, right? Howland name, limited persuasive effects of media. Okay. Joseph, uh, Joseph T. Clapper, that is in the selective exposure. P. Ledger's field voter study. कौन से वोटर स्टडी जल्दी से बताएंगे जापान अमेरिका स्पेन और यूके दैट दे हैव स्टडीड इन द वोटर स्टडी ऑफ द विच कंट्री यस अमेरिकन वोटर यस वेरी गुड अमेरिका यूएसए दुर्गा दास पॉलिटिकल कॉमेंटेटर मारियो मिरांडा कार्टूनिस्ट सिवाई चिंतामणि एडिटर मेलविन डी मेलो ब्रॉडकास्टर राइट मैलविन डी मेलो के ऊपर आपको शॉर्ट्स भी मिलेंगे वोली बी पालमर एडवर्टिजमेंट टीम बर्नस ली दैट इज डब्ल्यू 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 जोसेफर न्यू वेब जर्नलिज्म जर्नलिस्ट दैट एडवर्ड इट इज गिवेन ऑन द नेम ऑफ हिम ओके डी डब्ल्यू ग्रीफित फिल्म ओके ग्रिफिथ थ्यूरी हम लोग डी डब्ल्यू ग्रीफिथ को हम लोगों ने फिल्म में बहुत पढ़ा है राइट right? ये सारे मॉडल्स हैं कुछ कुछ एडवांस मॉडल्स दैट इज ऑफ द हट राइस एंड एटकिन ऑडियंस सेंटर्ड सोशल मार्केटिंग थ्योरी ब्रेंडा डेरविन मिड वर्ल्ड इंडेक्स जॉर्ज जबनो एंड इट इज ऑल्सो जेनिस रेडवे ने फेमिनिस्ट रिसेप्शन स्टडीज के ऊपर काम किया सो दिस इज वट द पर्स्पेक्टिव के टर्म में मीडिया एम्पेरलिज्म न्यू मार्क्सिस्ट न्यू इन वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ऑर्डर इंटरनेशनल स्ट्रक्चरलिस्ट मॉडर्नाइजन थ्रू कम्युनिकेशन दैट इज अट्रक्चर फंक्शनलिस्ट एंड पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन दैट इज ऑल्टरनेटिवेक्टिव थिंग्स दैट इट इज राइट ये सारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप लोग इसको मैच ऑफ दिन रखिएगा ये फोर वन क्वेश्चन दिस इज फाइव टू एट क्वेश्चन टू इट है सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस तरीके से ओके सो दस थिंक अबाउट इट राइट दैट इट इज फिफ्टी फोर राइट इट इज फिफ्टी फोर सो दू कैन गेस इबाउट इट लाइक इट इज ट्वेल्व थर्टीन क्वेश्चन राइट लगभग लगभग बीस से पच्चीस क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन राइट अप्रॉक्स थर्टी क्वेश्चन इट है फ्रॉम द प्रोमेंट थिंकर्स प्रोमिनेंट थिंकर्स मॉडल्स आइडियाज पर्सपेक्टिव प्रम्पोनेंट ये सारी चीजें इन्हीं इन्ही सब चीजों से क्वेश्चन पूछा गया है तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लीज इसको याद कर जाइए किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है तो आपसे दोबारा मैच ऑफ द फॉलोइंग से नहीं पूछेंगे राइट दे कैन आस्क यू इन द सिंगल चॉइस पैटर्न क्वेश्चन राइट दे कैन आस्क यू दे कैन रिप्लेस द टर्म राइट दे विल नॉट आज द एक साथ नहीं पूछेंगे रैंडम इट राइट किसी भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस लाइक द क्वेश्चंस वन इट विल बी सीरियल नंबर एट विल भी सीरियल नंबर फोर्टीन विल बी सो देते हैं सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर ऑल द टर्मिलोजिस आइडिया कॉन्सेप्ट प्रोपोनेंट पर्स्पेक्टिव फोकस्ड एरिया ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है ठीक है ये सारी क्लियर है एवरीबडी सो so, जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए इसको ओके okay? और इसको लेकर हम एग्जाम भी करेंगे राइट दैट हु विल आंसर ये सारी चीज को लेकर हम एग्जाम भी करेंगे ताकि हम ये याद कर पाए हमें पता रहे कि आप लोगों को किन लोगों को याद है राइट दैट वी हैव द टेस्ट टू टेक इट राइट हमारे पास है वो ऑप्शन की शॉर्ट आंसर्स को कैसे हम आपसे क्वेश्चन ले सकते हैं आंसर्स ले सकते हैं ये सारी चीजें है सुविधा ओके सो दिस इज वॉट दैट हेयर इंपॉर्टेंट ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेम्बर ये सारी चीजें आपको याद रखनी है राइट right? लास्ट दैट इज वर्ट हेयर सबसे आखिरी दादा साहेब फाल्के अवार्ड आज हम थोड़ा सा दो मिनट के लिए डिस्कस करेंगे फिर आपको छुट्टी ओके आज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर द दादा साहेब फालके अवार्ड इट इज हेयर दैट सी ये सारी चीजें पूछा जा चुका है जितने पॉइंट्स में है ये सारी चीजें पूछा जा चुका है और ये सेरेमोनियल राइट right? किनको पहले कौन सा अवार्ड मिला ये सारी यहां पे लिस्ट दी गई है फ्रॉ लिस्ट इट इज टिल 2019 ठीक है सिक्सटी सेवें रजनीकांत अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना ये सारे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में कई बार पूछे जा चुके हैं ऑलमोस्ट थ्री टू फोर टाइम्स द क्वेश्चन हैड बीन फ्रॉम दादा साहेब फालके अवार्ड एंड वीडियो हैज ऑलरेडी बीन मेड ऑन द दादा साहेब फालके राइट right? दादा साहेब फालके ऊपर इनको वीडियो भी मिल बना जा चुका है टू वीडियो ऑन द बायोग्राफी

मास कम्युनिकेशन यूजीसी ने टू थाउजेंड सिक्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है करेक्ट सिक्वेंस ऑफ starting with the फालकेटेस्ट right? So, आपको कैसे याद आपको आएगा ये जब तक आपको याद नहीं रहेगा येट that you cannot answer. आप आंसर याद आंसर को तभी कर पाएंगे जब आपको याद रहेंगे ओके सो अधन को कृष्णन को 2004 में मिला था दादा साहब फालके अवॉर्ड मिनाल द अवार्ड ऑफ दादा साहब फालके इन द दे 2003 दू थाानंद इन द टू थाउजेंड टू एंड यश चोपड़ा इन द टू थाउजेंड वन ये सारी चीजें आपको याद होने पर ही आप आंसर कर पाएंगे सो so, आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है लाइक सो दिस इज ऑल्सो राइट सिमिलर क्वेश्चन करेक्ट सिक्वेंस दादा साहब फालके रिस्मेंटिकल ऑर्डर विदार्टिंग विदेस्ट लेटेस्ट के साथ क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी एक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लाइक हिस्टर द आंसर इट इज विनोद खन्ना विश्वनाथ मनोज कुमार शशि कपूर गुलजार एंड प्राण एंड सुमित्रा चटर्जी ओके सो वट इट इज इम्पोर्टेंट दैट वट आई एम ट्राइंग टू से फालके अवार्ड हो चाहे वो चेयरपर्सन द पीस काउंसिल ऑफ इंडिया हो चाहे वो ऑथर्स एंड दियर कॉन्सेप्ट हो चाहे मॉडल्स एंड थ्यूरी हो चाहे वो आपका मिडियल ऑर एथिक्स या कुछ भी हो राइट right? आपको ये सारी चीजें याद करने वाली सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और आपको याद रखनी है ओके एंड मोर थिंग्स इट विल बी एडेड इन टू इट दैट जितना है अभी फिलहाल उसको आपको याद करना है ओके ऑल इट इज क्लियर प्लीज अभी से ही याद करने में लग जाइए ये सारी चीज को इट इज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल राइट इज देर एनी डाउट जल्दी से बताएंगे कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट इट इज योर टाइम